नमस्कार, मैं रंजीत चौहान, आप देख रहे हैं ओनली न्यूज नेशन। राकेश टिकैत फिर से एक बार अपने जिहादी रूप में आ गया है। जी हाँ साहब, जिहादी शब्द का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया क्योंकि राकेश टिकैत ने इससे पहले जिहादी काम ही किया है। उसने वो कह चुका है कि वो आंदोलन इंडिया गेट पर करेगा, वो आंदोलन लाल किले पर करेगा, वो आंदोलन संसद भवन में करेगा। संसद भवन में वो ट्रैक्टर मार्च भी करेगा, इंडिया गेट पर वो जाकर ट्रैक्टर से खुदाई भी करेगा। और इंडिया गेट पर, लाल किले पर, संसद भवन पर कौन करता है ये सब चीज़ें? हाँ, करता वही है जिसे देश से प्रेम नहीं होता है। जो हिंदुस्तान की माटी से जिसको प्रेम नहीं है वही ऐसी हरकतें करता है। आज राकेश टिकैत ने फिर एक बार अपना वही स्वरूप, वही रूप दिखाया है। उसने लोगों से अपील की है, उस अपील के बाद उसको करारा तमाचा भी लगा है। चलिए पहले मैं दिखाता हूँ कि राकेश टिकैत ने क्या क्या कहा है। किसान नेताओं राकेश माफ कीजिएगा किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत किसान आंदोलन की खातिर समर्थन जुटाने के लिए कई राज्यों में किसान महापंचायतों का हिस्सा बन रहे हैं। हरियाणा के कई इलाकों में किसान महापंचायत को संबोधित करने के बाद अब वो राजस्थान में हैं। राकेश टिकैत इस महीने राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में भी किसान महापंचायतों को संबोधित करेंगे। उनका कहना है कि इसी महीने की 13 तारीख को पश्चिम बंगाल भी जाएंगे, वहां महापंचायत करेंगे। राकेश टिकैत का यह दौरा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हो रहा है। राकेश टिकैत ने न्यूज़ एजेंसी से बातचीत में यह भी कहा कि अब इस आंदोलन में आम लोगों को शामिल होना चाहिए। दिल्ली की सीमाओं से लगी सड़कों पर किसान आंदोलन को देखते हुए बैरिकेड लगाए गए हुए हैं। इस पर राकेश टिकैत ने कहा कि अब सरकार को सड़कें खोलनी चाहिए, आम जनता को आना चाहिए, बैरिकेड तोड़ना चाहिए, बैरियर को भी ध्वस्त करना चाहिए। जनता की सड़क थी, सरकार ने बंद कर दी, सरकार बंद नहीं कर सकती, हम बैरिकेड को तोड़ देंगे। राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार सड़कों को खोल नहीं रही है ताकि आम लोगों को दिक्कत हो, वो इसके लिए किसान आंदोलन को दोष दें। राकेश टिकैत के इस बयानों पर सोशल मीडिया यूजर्स भी खूब टिप्पणी कर रहे हैं। अशोक शेखावत नाम के यूजर लिखते हैं, यह सही कहा है, आम लोगों को भी किसान आंदोलन में भाग लेना चाहिए। राजेश गौर नाम के एक यूजर लिखते हैं, किसान आंदोलन के नाम पर धरने पर बैठे किसानों को उकसाने वाली देश में शांति विरोधी ताकतों को सतर्क रहना चाहिए। हर किसान इनके इरादे जान चुका है, इनकी नज़र कहीं है और कहीं इशारा कहीं और है। दोगलेपन से युक्त ये नेता और उकसाने भड़काने वाले ये दल अपने गिरेबान में झांके, उन्होंने किसानों का भला कब किया है? हरदीप मारवा नाम के यूजर लिखते हैं कि राकेश टिकैत केवल देशव्यापी माहौल बनाकर राजनेता बनने की पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं, किसानों का कंधा इस्तेमाल कर खुद को लाइमलाइट में रख रहे हैं, किसानों की समस्या का खुद समाधान नहीं चाहते, किसानों को गुमराह किया जा रहा है राजनीतिक स्वार्थ की खातिर। संजय शर्मा लिखते हैं कि अंग्रेजों के बाद ये सरकार भारत के देशवासियों को सबसे बड़ा मूर्ख समझती है, इसलिए किसानों के आंदोलन में देश के हर नागरिक को सहयोग करना चाहिए, चाहे छात्र हो, बेरोजगार हो, मजदूर हो, भ्रष्टाचार विरोधी हो, हिंदू, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, रोटी सभी को चाहिए। लेकिन इन सब बातों के बाद सिर्फ एक निष्कर्ष निकलता है कि राकेश टिकैत आखिर बंगाल क्यों जा रहे हैं? दिल्ली में अच्छा खासा उनका आंदोलन चल रहा है, धरने पर बैठे हैं, सरकार से पंगा ले रहे हैं, दिल्ली पुलिस पर हमले भी कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच बंगाल जाने का उनका प्लान क्या है, मकसद क्या है? लेकिन मकसद है साहब, दरअसल राकेश टिकैत अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि को तैयार कर रहे हैं। बंगाल चुनाव जाकर वो अपने आप को और ज़्यादा लाइमलाइट में आना चाहते हैं। बंगाल चुनाव में जाने का मतलब है कि वो विपक्ष के नज़रों में आएंगे, राजनीतिक पहुंच उनकी ऊपर होगी, ऊंची होगी, विपक्ष उनको हाथों हाथ उठा लेगा और भविष्य में हो सकता है कि वो भी विधायकी सांसदी का चुनाव लड़ जाएं। यही राकेश टिकैत है, यही किसान आंदोलन है जिसने कहा था कि वो कभी राजनीतिक पार्टियों का सहारा नहीं लेंगे, लेकिन यही राकेश टिकैत है, यही किसान हैं और यही विपक्ष राजनेता हैं जो लगातार किसान आंदोलन का सहारा ले रहे हैं, लगातार किसान आंदोलन सहारा ले रहे हैं, आंदोलन में जाकर मंच साझा कर वो देश की सरकार को
भला बुरा कहते हैं, मोदी सरकार पर हमले करते हैं, मोदी सरकार को देश विरोधी बताते हैं। जो किसान वहाँ पर जमे हुए हैं, चाहे वो हज़ार संख्या में हो चाहे लाखों संख्या में हो, उनका वो दुरुपयोग कर रहे हैं। अब ये नहीं समझ में आता कि जो वहाँ पर किसान मौजूद हैं, जिनके अपने कुछ उद्देश्य होंगे, कुछ जिम्मेदारियाँ होंगी, कुछ उनके दुख दर्द होंगे, उनको समझने वाला, सोचने वाला, सुनने वाला कोई नहीं है। बस जो कुछ हो रहा है वो देश की विपक्ष के सारे पर, वो सरकार को गुमराह करने का काम हो रहा है, देश के विपक्ष को बदनाम करने, माफ कीजिए, देश की सरकार को बदनाम करने का काम हो रहा है, देश की सरकार के साथ लोहा लेने का काम हो रहा है, मोदी सरकार को गालियां देने का काम हो रहा है। बस यही काम रह गया है इस आंदोलन का, आंदोलन का मकसद सिर्फ यही बनकर रह गया है। हम भी किसान हैं, हमारा सुनने वाला जितना भी दर्शक हैं वो भी किसान हैं। बताइए, अगर आपके किसी भी समस्या को आंदोलन में उठाया गया हो, बहुत सारी कमियां होंगी आपके, आप बहुत सारे दुख दर्द होंगे आपके, बहुत सारे समस्याएं होंगी आपकी, लेकिन कोई भी आंदोलन में आपकी समस्याओं को नहीं उठा रहा है। बस कृषि बिल, कृषि बिल, कृषि बिल। क्या कृषि बिल वापस होने से किसानों की समस्या दूर हो जाएगी? क्या कृषि बिल वापस होने से जो किसान 70 सालों से रोटी कपड़ा मकान के लिए जूझ रहा था, क्या उसको सब मिल जाएगा? क्या कृषि बिल वापस होने से किसान जो है हाई सोसाइटी में आ जाएगा? किसानों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी, घर होंगे, बंगले होंगे, नौकर चाकर होंगे? अगर कृषि बिल वापस होने से अगर ये सब हो सकता है तो कृषि बिल वापस होना चाहिए। अगर कृषि बिल वापस होने से देश के लाखों करोड़ों किसान अगर राकेश टिकैत की बराबरी कर सकते हैं, राकेश टिकैत की तरह ही उनके पास पेट्रोल पंप, बिजनेस, प्रॉपर्टी अगर हो सकती है, तो कृषि बिल वापस हो जाना चाहिए। लेकिन कृषि बिल वापस होने के बाद भी किसानों की समस्या वैसी वैसी बनी रहेगी, कभी दूर नहीं होगी। ये बात ना राकेश टिकैत आंदोलन में कह रहे हैं, ना विपक्ष का कोई नेता कह रहा है। अगर विपक्ष को देश की इतनी चिंता है, अगर विपक्ष को, राकेश टिकैत को किसानों की इतनी चिंता है, तो किसानों के असली दुख दर्द को समझना होगा, उसको सामने लाना होगा। किसानों के बच्चे भी अच्छे स्कूलों में पढ़ने चाहिए, किसान भी प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराना, उनका भी इलाज होना चाहिए, लेकिन इस पर कोई भी बात नहीं कर रहा है। किसानों के बदन पर भी अच्छे कपड़े होने चाहिए, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। सिर्फ कृषि बिल, कृषि बिल, कृषि बिल, कृषि बिल का सिर्फ एक एजेंडा है कि वो सरकार को झुकाना चाहते हैं और अपनी बात मनवाना चाहते हैं, और जो फंडिंग हो रही है देश के बाहर से उसका मजा लेना चाहते हैं। आंदोलन का कोई डेडलाइन नहीं तय किया है, क्योंकि लगातार पैसे बरस रहे हैं आंदोलन में, लगातार उन पैसों से, पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है, मौज मस्ती की जा रही है, और जिस दिन आंदोलन खत्म हो जाएगा, पैसे आना बंद हो जाएंगे, मौज मस्ती बंद हो जाएगी, और जो बढ़िया व्यवस्थाएं, सुविधाएं ले रहे हैं वो भी बंद हो जाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप अपनी राय दें कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद।